आरक्षण के विरोध में भारत बंद का प्रदेश में मिला जुला असर। जयपुर में पसरा सन्नाटा, लेकिन जोधपुर उदयपुर कोटा बेअसर। लेकिन बड़ा सवाल, कब तक भारत बंद? उत्तर पश्चिमी रेलवे मना रहा 63वां क्षेत्रीय रेल सप्ताह। समारोह में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने उत्कृष्ट कर्मचारियों को किया पुरस्कृत। प्रदर्शनी में दर्शाया रेलवे का सफर। अलवर से बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर, कहा ये अपराध में है लिप्त, नहीं चाहिए इनके वो। राजधानी में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या। दिल्ली रोड पर फार्म हाउस में मिली लाश, कड़ी सुरक्षा के बावजूद मर्डर से उठे सवाल। और अब रुचिर मोदी निखारेंगे प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाएं। 8 जिलों में खोलेंगे क्रिकेट एक्सीलेंस सेंटर, राजधानी में की घोषणा। और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत बंद, इन दो शब्दों को क्या परिभाषित करने का वक्त आ गया है? भारत बंद क्या एक मजाक है लोकतंत्र का? भारत बंद क्या एक अपंगता है सरकार और सिस्टम? भारत बंद क्या एक गुंडागर्दी है हक पाने की? भारत बंद क्या एक सियासत है वोट पाने की? भारत बंद क्या एक समझौता है खुद को आगे बढ़ाने की? या फिर भारत बंद एक शर्म है संकीर्णता से भरे समाज की? आखिर किस तरीके से भारत बंद को परिभाषित किया जाए, या कहें कि हर व्याख्या अपने आप में संपूर्ण है। आज बात इसी मुद्दे पर कि जब सोशल मीडिया की धमकी से भारत बंद होने लगी तो क्या माना जाए कि देश की सियासत धोती हो चुकी है और जनता की सुरक्षा राम भरोसे। आज बात इसी मुद्दे। आज प्रोग्राम को हमने नाम दिया है भारत बंद कब तक। शायद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। बीते 10 दिनों में दूसरी बार भारत बंद हुआ, तो क्या भारत बंद एक मजाक बनकर रह गया है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता डॉक्टर दीपक भाकर, कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद के नेता गुमान सिंह जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रवक्ता करण राठौड़ जी और हिंदू धर्माचार्य गिरधर जी। इनसे बातचीत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए भारत बंद का मतलब क्या हो जाए। क्या भारत कोई एक दुकान भर है जिसका शटर गिराया और बंद हो गया, या फिर एक चौराहा भर जिसको रोका और भारत बंद, या फिर एक घर या सराय जहां एक ताला लगा और भारत बंद हो गया, या फिर चंद लोगों की जागीर जिनका जम मन किया भारत बंद कर दिया, या फिर भारत को एक थका हुआ इंसान समझ लिया गया जिसको जब चाहे आंखें बंद कर झपकी लेने की आदत हो गई। आखिर भारत बंद क्या है कोई तो समझाए कि एक बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया, क्यों कॉलेजों में छात्रों को जाने से रोका गया, क्यों सरकारी इमारतों से लेकर व्यापारियों के दुकानों पर ताले थे। क्या आज राष्ट्रीय शोक का दिन है जो सब कुछ बंद है? यकीनन जो हो रहा है वो राष्ट्रीय शोक से बड़ा है, क्योंकि युवाओं के देश को तेजी से बढ़ाने के दावों के बीच बंद के पत्थर से दबाया जा रहा है, और इस पत्थर को दोनों ही पार्टियां समर्थन करती हैं अपने अपने अंदाज में। मुझे लग रहा है इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है, साजिश हो सकती है, और सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को आरोपी बना रही है।
भाई हम लोग तो देखते आए थे कि विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को पे आरोप लगाता था, पहली बार देख रहा हूँ कि बीजेपी विपक्ष के लोगों को आरोप डाल रही है कि, और हम तो अपील कर रहे हैं, राहुल जी ने कल राजघाट पे किया, हम लोगों ने जयपुर में किया, नेताओं ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया, और अगर सरकार अपना काम नहीं करेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता गली ढाणी मोहल्ले ब्लॉक तहसील जिले हर जगह पहुँचकर शांति और सौहार्द बनाने का काम करेंगे। यकीनन देश को चलाने और जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो क्या सरकार सोशल मीडिया के सामने हार गई और क्या देश अब सोशल मीडिया के लाइक और कमेंट में फंस गया? क्या अभिव्यक्ति की आजादी से आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल होती अफवाहें सरकार को धारा 144 से लागू करने पर मजबूर कर रही है और इंटरनेट बंद करने पर बेबस? क्या वाकई में देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं, जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और क्या सोशल मीडिया देश के लिए भस्मासुर की भूमिका में, या फिर देश में सोशल मीडिया पर हर कमेंट रक्त बीज की तरह जो बढ़ता है तो पूरा सिस्टम डरता है, सियासतदान डरता है, लेकिन डर के आगे जीत है, या फिर एक्शन करने पर जीतना होने का डर है, या फिर नेताओं ने समाज को उस दोधारी तलवार में तब्दील कर दिया जहां रक्त रंजित होना तय है, या तो सियासतदानों की सियासत का या फिर समाज का। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट को देखने के बाद इतना तो आप समझ गए होंगे कि सरकारों के लिए जरूरी क्या है, देश का बना रहना या फिर वोट बैंक का बना रहना। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकारें भारत बंद रोकने में पूरे तरीके से असफल है और सोशल मीडिया के सामने नतमस्तक है। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमारी वेबसाइट पर रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपकी रिएक्शन को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जिस सोशल मीडिया की वजह से पूरी सरकार नतमस्तक है, हो सकता है उसके सवालों के जवाब देने से भी सरकार डरती हुई नजर आए। दीपक भाकर, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा सर, उपलब्धि है आज नेट बंद, धारा 144, ना जाने कितनी टुकड़ियां जयपुर में, जयपुर का गुनाह क्या था? देखिए, बात जयपुर या प्रदेश या देश की बात नहीं है, बात एक व्यवस्था की होती है। जो सरकार सोशल मीडिया के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बार पहले भी कहा था कि दुधारू तलवार है, इसका जितना उपयोग हो सकता है उतना ही दुरुपयोग भी होता है। किसी विशेष संस्था विशेष ने या किसी समाज सरकार करती है और दुरुपयोग का शिकार जनता होती है। देखिए, ये तो ओपन मीडियम है, ये किसी के बस में तो है नहीं। ये तो जब भी ये बात आती है तो कहा जाता है कि आप मीडिया पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार की एक अपनी तरीका होता सर, है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में किसी अंतर भी है। किसी भी मीडिया और सोशल मीडिया में अंतर है सर। देखिए, दोनों ही एक माध्यम तो है, संचार माध्यम, जब संचार माध्यम है, बल्कि वो तो, मैं आपको यही मैं आपको कहना चाहता, सोशल मीडिया पे तो, मीडिया पे तो अंकुश लगाना एक तरह से असंभव सी बात हो जाती है। आप इंटरनेट सेवा बंद कर सकते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से रियल वर्ल्ड को दबा देंगे, दबाया नहीं जाएगा, वो भी एक बराबर का आज का समाज का हिस्सा बन गया, बढ़ते हुए देश और दुनिया का एक हिस्सा है जिसको आप हटा नहीं सकते, वो आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हद तक उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई समाज या कोई वर्ग या कोई जाति विशेष या कोई धर्म विशेष अगर उस पर अपनी बात कहता है तो आप बताइए उसको किस तरह से रोका जा सकता है। अभी तक ऐसी चीजें डेवलप नहीं हुई, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, 2 तारीख को एक बंद होता है, उसके अंदर एक हमारा ऐसा अभी तक मानना है, जैसा कि हमें इस बात के सबूत भी आज की तारीख में, कि एक प्रमुख विपक्षी दल जो पार्टी है इस समय देश के अंदर, उसका उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन होता है, उनके व्यक्ति विशेष जाकर के सर, काम मैं करते तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, जनता सुरक्षित क्यों नहीं? जनता सुरक्षित है, सरकार को, ये जनता सुरक्षित है, सरकार को, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, देखिए आज बताइए 2 तारीख छात्र कॉलेज नहीं जा पा रहे, व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे, यही आपको बताऊं, वो स्वेच्छा से सुरक्षा है सर। आज कहीं दबाव वाली बात दिखी आपको, कहीं दमनकारी नीति दिखी गई आपको, कल लाठियां भाजी गई कहीं आपने देखा आज कहीं नहीं सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट क्यों बंद किया गया? बंद देखिए, व्यक्तिगत रूप से वैसे भी बंद को हम समर्थन नहीं देते, लेकिन आज की आज ये खुला समर्थन है सर, नहीं, आप कह रहे समर्थन नहीं देते, आप क्या करें? आपने कहा कि आप कीजिए जो करना है, हम धारा 144 लगा देंगे, जनता को कैद कर देंगे। देखिए नहीं, धारा 144 एहतियात के तौर पे सरकार द्वारा लगाई गई थी कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, अवांछित घटना ना हो, इसमें क्या गलत है आप बताइए? किसको दुकान बंद करने से, क्या किसी व्यापारी को किसी ने रोका? क्या सरकार की तरफ से निर्देश थे? क्या शासन ने? सर आप ये कह रहे हैं कि सरहद पर अगर दुश्मन आएगा
देखिए सरहद पर दुश्मन आएगा तो सिपाहियों को अंदर खींच लिया जाएगा, लड़ा नहीं जाएगा। व्यवस्था बनाए रखना सरकार का पहला कर्तव्य है। सरकार चाहती है कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो, उस एहतियात के तौर पर एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया जाता है, 5 जिलों के अंदर अगर निषेधाज्ञा जारी की जाती है, 144 धारा लगाई जाती है। इसमें क्या गलत है? कोई आतंकवादी हमला था? आप बताइए, 144 तो आमतौर पर कई बार जब भी ऐसा अलर्ट होता है तो लगाई जाती है, तो उसी को देखते लगाई। आप बताइए, 2 तारीख क्या एक 8 दिन में दूसरी बार भारत बंद हुआ है? आज भारत एक शटर की दुकान हो गया है, शटर गिरा है और भारत बंद। क्या ये सरकार द्वारा प्रायोजित था? सर, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए सरकार, अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान नहीं खोलना चाहता है, क्या सरकार उसके डर को खत्म नहीं करेंगे? क्यों नहीं खोलना चाहता कोई? तभी तो एक दिन पहले फ्लैग। जरा मुझे बताइए, छोटा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? इंटरनेट सेवा बंद की जाती है, इसीलिए की जाती है लिमिटेड समय के लिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति अगर उसका कमाल के लॉजिक है सर। ठीक है, ठीक है। करण राठौड़ जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों भारत बंद? देखिए, बहुत सी मांगे हैं जिनको लेके बहुत से संगठनों ने भारत बंद पहले भी कॉल किया है, लेकिन 2 तारीख को जिस तरह का अराजकता सड़कों पे फैलाई गई, मैं तो कहूंगा हाई कोर्ट पे पथराव किया जा रहा है। ऐसा भारत बंद ना तो हमने पहले कभी देखा है, और अगर आज की बात करें तो किसी भी सामाजिक संगठन ने खुलकर इस भारत बंद के खिलाफ ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कहीं कोई लेटर किया, ना कोई मीडिया में समर्थन दिया, सिर्फ सोशल मीडिया पर ये चला और सरकार इतनी डर गई। सोशल मीडिया से देश चलेगा? मैं कह रहा हूं, हम तो खुद इस सोशल मीडिया को इतनी अनसोशल मानते हैं कि इस सोशल मीडिया को सरकार गंभीरता से ले रही है। किसी संगठन ने खुल के नहीं कहा कि हम भारत बंद कराएंगे, और सरकार इतनी डर गई है 2 तारीख को, क्योंकि इनकी आईबी इंटेलिजेंसी, और मैं तो कहूंगा इस सरकार में दम ही नहीं है कि राजस्थान को एंश्योर कर सके कि हम आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। धारा 144 लगा देना, नेट बंद कर देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं शुक्र है। कम से कम ये नहीं कहा कि आप घर से बाहर ना निकलिएगा, ये शुक्र है, कम से कम इतनी आजादी दे दी। इनके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 14 तारीख को फिर अंबेडकर जयंती है, और फिर सोशल मीडिया पे आज से मैंने देखा ही चल रहा है इनकी, ये फिर धारा 144 लगा देंगे, ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की फेलियर को उजागर करता है। ठीक है लोकेश, कांग्रेस कल उपवास पर थी, शांति तरीके से इसका विरोध कर रही थी, आज शांतिपूर्वक बंद हुआ, एहसास हुआ कि हम भारत बंद के जरिए जरिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, भारत बंद ना तो कांग्रेस का कॉल था, ना भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया। अभी क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति है उससे अलग हटके कुछ और आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, जो पहला बंद 2 अप्रैल को कॉल किया गया, उससे लगभग 15 दिन पहले से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे थे कि इस तारीख को ये होगा और अब नहीं तो कभी नहीं होगा। क्या इस देश की सरकार ने किसी को भी ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये जो आदेश है या जो सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है वो वास्तविक रूप में बात क्या है? एक छोटी सी बात थी कि जिन बेगुनाहों को उस एट्रोसिटी एक्ट के तहत बिना समीक्षा किए सीधे गिरफ्तार कर दिया जाता है उसके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए, ऐसे निर्दोषों को जेलों में बंद नहीं रहना चाहिए। मात्र इतनी सी बात थी जिसे लेकर इस देश की सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने कह रहे हैं कि लोकेश आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे हैं आप? आदेश का समर्थन की और विवर्तन की बात नहीं है यहाँ सर, तय तो करना पड़ेगा ना, बताइए ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है वो इस देश के संविधान के अनुसार बात करना चाहता है, हम संविधान के साथ बंधे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए तो इस देश का मुझे लगता है प्रत्येक नागरिक। सर मैं कानून को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन 5 जजों की बेंच के फैसले को 2 जज बदल देते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करती है? कांग्रेस हर उस बात का समर्थन करती है जिससे इस प्रदेश और देश के नागरिकों को सम्मान मिलता हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समर्थन हुआ? आप बात सुनिए, सम्मान मिला सर? आप इस बात को गंभीर सर, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ, प्रदेश की जनता को पता चले क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करती है? जब ये 10 दिन पहले से ये बात चल रही थी तो क्या इस देश के किसी भी मंत्री ने या अधिकारी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यह देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है और इसको हम नहीं होने देंगे? क्या उन्होंने देश के नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई? क्या देश के दुकानदारों को लोगों को यह कहा कि यह भारत बंद एक सोशल मीडिया पर चला हुआ उपजा हुआ एक कॉल है, उसका आदमी का पता नहीं है कि कौन भारत बंद करवा रहा है और ये कौन लोग हैं जो भारत बंद करवाना चाहते हैं?
क्या ये लोग उस जगह तक नहीं पहुंच सकते? यही तो कमाल की बात है कि सोशल मीडिया जिसका अस्तित्व कोई नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें ये नहीं जानते कि नेतृत्व को कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत बंद होता है। लेकिन लोकेश एक सवाल खड़ा हुआ है, लोकेश एक सवाल खड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा कि उस पर आप सफाई भी दे और टिप्पणी भी करें। क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करती है? सुप्रीम कोर्ट इस देश की वो व्यवस्था है सर, हाँ या ना में बताइए ना। हाँ, सम्मान करती है सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस, समर्थन करती है फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है कांग्रेस और करेगी, क्योंकि हम और समर्थन करती है, समर्थन करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे चैलेंज करेंगे हम? अगर मैं तो एक शब्द आपको दे रहा हूं, आप कहिए कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करती है। सर्वोपरि है कानून, सर्वोपरि है संविधान, और कानून के हिसाब से जो भी होगा कांग्रेस और देश के नागरिक उसका समर्थन करेंगे। बड़ी बड़ी शब्दावली है, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, समर्थन। क्या कांग्रेस समर्थन करती है? सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करती है कांग्रेस, ये एक बड़ा बयान है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आंदोलन 2 तारीख को हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस थी, इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का समर्थन वो करती है। गुमान सिंह जी, सर यह तो अच्छा है कि कांग्रेस का स्टैंड लोकेश भाई के जरिए कम से कम प्रदेश की जनता तक पहुंचा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि भारत बंद क्या है? कोई भी आएगा, कभी भी आएगा, चंद लोग आएंगे पूरे देश को बंद कर जाएंगे, यह व्यवस्था है कानून की? विजेंद्र जी, अभी दोनों पार्टियों की बात सुनी जी, और अपने इनके निजी कुछ हित तो होते हैं उसके हिसाब से अपनी पार्टी से बंधे होते हैं, बयान देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप किसी भी चीज़ को जो एक उसको बीमारी समझ लो, उसको समस्या समझ लो, आप कब तक नज़रअंदाज करेंगे? आज ये जो एक आपके सामने आया है भारत बंद के रूप में, एक जनता का आक्रोश सामने आया है, यानी कि एक पीड़ित वर्ग, स्वर्ण वर्ग में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उसकी स्थिति दलितों से भी ज़्यादा खराब है। आज हर जगह आपको जो भी ये कुछ मिल रहा है, किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, किसी संगठन का समर्थन नहीं है, लेकिन वो जो कुंठित वर्ग है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लग गया है कि इस देश में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मुझे कहीं न्याय नहीं है। उन लोगों की एक प्रतिक्रिया के रूप में इस भारत बंद को मैं देखता हूं। इसको अगर इन पार्टियों ने अभी भी गंभीरता से नहीं लिया, उन लोगों का क्या कसूर है जो इसके समर्थन में भी नहीं, खिलाफ भी नहीं, उन बच्चों का क्या कसूर है, मुझे जरा समझाइए। देखिए जी, जब बड़े पैमाने पे कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी ऐसी जब प्रतिक्रिया आती है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि भारत बंद है क्या? हर किसी हर चीज को हम नहीं देख सकते। अभी जो बच्चा थी, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जरा मुझे बताइए, राजस्थान में 7.5 करोड़ जनता है, 70,000 भी सड़कों पर नहीं होंगे, बाकियों को क्यों कैद किया गया? बाकियों का कोई उनमें मानते कि नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छा एक बच्चा स्कूल ना जाए नुकसान नहीं है, लेकिन उनको व्यापारी दुकान ना खोले नुकसान नहीं है, उनको भी छात्र कॉलेज ना जाए नुकसान नहीं है, सड़कें सन्नाटे से पसरी रहे नुकसान नहीं है, नहीं नहीं वो भी समझते हैं, सरकारी दफ्तर बंद रहे नुकसान नहीं है, उनको भी। फिर ये आंकड़ा कहां से आता है कि इतने 1,000 करोड़ का प्रदेश में नुकसान हो गया? सर, जब परिवार में एक आदमी बीमार होता है तो 50 लोग परेशान होते हैं, रिश्तेदार भी मिलने आते हैं काम धंधा छोड़ के। आज एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है देश के अंदर, उसकी पीड़ा में ये लोग अपनी पीड़ा को सहन करने को तैयार हैं, किसी ने कोई ज्यादा विरोध नहीं किया है, शांतिपूर्ण बंद रहा है जी। तो और मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। सर जरा बताइए, क्या वाकई में आपको लगता है कि अब जाति आधारित भारत बंद होना चाहिए? भारत बंद करवाने के जो तौर तरीके हैं, ऐसा लगता है जैसे ये लोग देश के नागरिक ही ना हो। जिस प्रकार से ये लोग भारत बंद करवाते हैं तो लगता ही नहीं कि ये देश के नागरिक हैं, ऐसा लगता है जैसे विदेशी लोग इनको संचालित कर रहे हो और देश के साथ इनको पैसा देकर गद्दारी करवा रहे हो। सर किनको? जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग तोड़फोड़ करते हैं। अभी 2 तारीख को जो कुछ हुआ जी, पुलिस वालों को मारा गया, भगवान राम के चित्र के ऊपर ये आप चप्पलें मार रहे हैं, हनुमान जी के चित्रों पर थूक रहे हैं, ये कौन सी विचारधारा है, क्या करना चाहते हैं? सर आप तो हिंदू धर्माचार्य हैं सर जी, जी आप जानते होंगे कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जी जी, जिस हनुमान जी के बारे में आप कह रहे हैं वो इस 2 अप्रैल की तस्वीर नहीं है, या बेहतर तरीके से जानते हैं वो 10 महीने पुरानी तस्वीर है। ये वही बाकायदा अगर मैं गलत नहीं तो वो इंसान दुनिया में भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जिस प्रकार से भारत बंद करवाया जाता है इसको एक तो गैरकानूनी घोषित करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, वो कोई भी करे। ये कोई तरीका है क्या? आप ये बताइए, आप बसों को रोकेंगे, आप ट्रेनों को रोकेंगे, आप गाड़ियों के ऊपर पथराव करेंगे, आप दुकानों में आग लगाएंगे, आप गरीबों को लूटेंगे, आप ठेलों को लूटेंगे, ये कौन सा तरीका है? अमेरिका बंद नहीं होता, ब्रिटेन बंद नहीं होता,
भारत बंद होता, आपको कोई विरोध करना है किसी चीज का तो आप मोर्चा निकालिए, आप जुलूस निकालिए, आप नारे, भारत बंद से आपको क्या मिलेगा, जाके करना है तो लोकसभा बंद कीजिए, ये सब राज्यसभा को जाकर बंद कीजिए, ये सब प्रोजेक्ट किया जाता है जी, ये सारा संचालन कोई और लोग करवाते हैं, ये लोग गिने चुने लोग होते हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, दलितों का कोई लेना देना इसमें नहीं होता, केवल नाम उनका होता। मैं आपको बात बताऊं, 2 तारीख को जो कुछ हुआ वो पूरा देश के खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार बना है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा करके आप उसी संविधान और उसी कानून का विरोध करते हैं, ये कैसी गुंडागर्दी है। और मैं कहता हूं उस समय किसी भी प्रांतीय सरकार ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी भी प्रांतीय, क्योंकि सबको उनके वोट चाहिए, ये केवल वोटों की राजनीति में आम जनता पिस रही और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन जो गिरधर जी ने समझाया उसको थोड़ा सा गणित के हिसाब से समझिएगा। सुनसान सड़क, मातमी माहौल और तालाबंद, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर क्या होगा, तड़पती जनता। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल राजनीति मतलब सिद्ध करने के लिए कुछ राजनेता इसे एक मजाक का जरिया बना दिया, इसे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आम जनता को भ्रमित कर रही है और भारत बंद का पूरा अंदरूनी पूरा सपोर्ट कर रही है। सरकार एक खुद इससे कमजोर हो गई, आज के समय में प्रशासन को इतना कमजोर कर बनाए रखा है, जब भी जो पब्लिक चाहे सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करने लगती है। इसमें प्रत्येक राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के चक्कर में भारत बंद होता है, चाहे भारत खुला रहता है, किसी के पक्ष में वो न तो प्रेस नोट जारी करते हैं, न पक्ष में होते हैं न विपक्ष में होते हैं, केवल न केवल इस भारत देश की संपत्ति को नष्ट करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल तुले हुए हैं।